नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिल अग्रवाल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मनश हॉस्पिटल कोटा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑटिज्म डिसऑर्डर के बारे में। हम कैसे पहचान सकते हैं बच्चों की कहीं बच्चे को ऑटिज्म के सिम्टम तो नहीं है? तो देखिए, इसके लिए टिपिकल ट्रायड होता है तीन सिम्टम्स का। इसमें पहला होता है क्वालिटेटिव इंपेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, सेकेंड डेफिसिट इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, एंड थर्ड इज रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर। अब हम इसे समझते हैं कैसे। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव इंपेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, यानी जो बच्चा है वो सबसे पहले सोशल स्माइल नहीं देगा। बहुत बार हम जब छोटे बच्चों को गोद में लेना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी पोस्चर, उसमें लैकिंग होता है। बच्चा आई टू आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं करता है। बच्चा अपने लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, जैसे मदर फादर, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ज्यादातर छोटे बच्चे यदि हम किसी अनजान के पास छोड़ देते हैं तो वो रोने लगते हैं, लेकिन इनको कोई स्ट्रेंजर एंजाइटी नहीं होती है। बच्चे अपने साथ वाले बच्चों से खेलना पसंद नहीं करते हैं, यूजुअली अलग अलग रहते हैं। सेकंड इज डेफिसिट इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी ऐसे बच्चों में पहली बात तो लैंग्वेज डेवलप ही नहीं हो पाती है। होती भी है तो बहुत बार क्या करते हैं, किसी एक वर्ड को यूज करते हैं, फिर महीनों या सालों तक उसे वर्ड को यूज भी नहीं करते हैं। थर्ड, ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, अपनी बात को समझा नहीं पाते हैं। चौथा, ये कुछ भी आवाज निकालते हैं, जैसे कूनिंग या कुछ भी शाउटिंग, किसी एक ऐसी आवाज जिसका कोई मीनिंग नहीं होता उसको कंटिन्यूसली निकालते हैं, या एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं। थर्ड इज रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर या स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर। ऐसे बच्चे ज्यादातर खुद अकेले खेलते हैं, इनके जो गेम्स होते हैं वो भी मोनोटोनस होते हैं, रिजिड होते हैं, और ज्यादातर ये इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग जो चीजें होती है उनसे अटैच रहते हैं, अपने साथ वालों से नहीं खेलते हैं। और ये किसी भी एनवायरमेंट में जो चेंज होता है उसके लिए बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, यानी अगर आप उसकी जगह घर कुछ भी चेंज कर दोगे तो बहुत ज्यादा रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। इसके अलावा ज्यादातर बच्चे यानी ऑलमोस्ट 70-80% बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, प्लस सडन मूड चेंज होता है, यानी एकदम से वो रोने लग जाएंगे और एकदम से हंसने लग जाएंगे बिना किसी रीजन के। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये क्यों होता है? देखिए, लॉट ऑफ स्टडीज हैं, बट कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स भी हैं, जैसे फर्स्ट जेनेटिक फैक्टर, तो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम जो है वो 9, 2, 4, 14, ये कुछ रेस्पॉन्सिबल होता है। हम बात करें कि जो प्रीनेटल फेज होती है, यदि मदर को फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें ब्लीडिंग हो गई, या बच्चे में जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसने वो ले लिया, तो भी फैक्टर होता है। इम्यूनोलॉजिकल, अगर मदर जो है उसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है तो एक रीजन है। केमिकल में हम बात करें, यदि सीरोटोनिन एक्सेस है या हाइपर जो वैलिनिक एसिड होता है वो ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ऑटिज्म हो सकता है। ऑटिज्म को नजरअंदाज ना करें, अर्ली स्टेज पर अगर हम इंटरवेंशन शुरू करते हैं तो हम सक्सेसफुली इसको क्योर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।